खबर शुरू होने से पहले आपके कान की जानकारी जान लीजिए। प्रदुभाषी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आया है चुनावी महासर्वे, जिसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर चुनाव से पहले ही अपनी पसंदीदा पार्टी का चयन कर सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं खबर की ओर। अशोकनगर में गुरुवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनाज मंडी को चालू करवाने एवं खरीफ फसल का बीमा दिलवाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। इस संबंध में युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक रघुवंशी शहबाजपुर ने बताया कि पिछले 21 दिनों से मध्य प्रदेश की समस्त गल्ला मंडियां अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण बंद चल रही हैं, जबकि इस समय किसान फसल काट कर मंडी में बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा आगामी फसलों की बोवनी के लिए उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को पैसे की अति आवश्यकता है, इसीलिए गल्ला मंडियों को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। इसके अतिरिक्त जिले के किसानों की खरीफ फसल 2020-21 का बीमा अभी तक नहीं आया है एवं कृषि विभाग ने जिन किसानों को बीमा दिया है उसकी लिस्ट भी नहीं दी जा रही है, इसीलिए लिस्ट दिलाई जाए। वर्ष 2021-22 खरीफ फसल सोयाबीन में बहुत अधिक नुकसान हुआ था, लेकिन आज तक बीमा राशि नहीं मिली है, यह राशि दिलाई जाए। अशोकनगर नई मंडी को बने हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन मंडी चालू नहीं हुई है। केवल धान की डाक बोली होती है, लेकिन तुलाई दूसरी जगह पर होती है। व्यापारियों एवं प्रशासन ने किसानों के साथ हुई मीटिंग में आश्वासन दिया था कि अगली फसल की बोली और तुलाई नई मंडी में ही होगी, इसके लिए भी जरूरी व्यवस्थाएं कराई जाएं। मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी पिछले 1 माह से हड़ताल पर हैं, इस कारण किसानों को अपने जमीनी काम कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। पटवारियों की मांगों को मानकर हड़ताल बंद कराई जाए। इन समस्त मांगों को लेकर किसान मजदूर संघ ने आज ज्ञापन सौंपा है। अशोकनगर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।